Hello guys, good morning all of you. This is Anish. Today I'm going to teach you English as spoken. In block number 2, I have taught 33 structures, about 33 structures. After that, today I'm going to teach you a structure number 34. Okay. आज हमारा ब्लॉक नंबर 2 में स्ट्रक्चर नंबर 34 हमारा चलेगा. ओके देखो बाबू, 21 के लिए होगा फॉर प्रेजेंट. ठीक है, ये क्या देगा, इसमें प्रेजेंट का सेंस देगा. ओके जैसे आप लोग बोलते हैं कि मुझे वहां जाने का शौक है, मुझे यह काम करने का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, राम को पढ़ाने का शौक है, सीता को इस काम को करने का शौक है, सीता को खेलने का शौक है, यानी कि शौक. यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आ एम प्लस फाउंड ऑफ प्लस वी को. ओके, यानी कि v1 plus ing, यानी कि फाउंड ऑफ भी क्या होता है, शौक, किसी चीज का शौक हो. मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं पढ़ा रहा हूं, शौक. क्या बोले बाबू, ये शौक हो गया. ठीक है ना, इस इज सच एज राम को तो राम को पढ़ाने का क्या है बाबू, शौक है. राम को पढ़ाने का शौक है. ठीक है, शौक मीन्स फाउंड ऑफ, यानी कि राम के अकॉर्डिंग जूली बग क्या लेगा, इज राम इज फाउंड ऑफ क्या, पढ़ाने का शौक, यानी कि टीचिंग. राम इज फाउंड ऑफ टीचिंग. ओके, राम को पढ़ाने का शौक है, आप लोग को पढ़ने का शौक है, यू आर फाउंड ऑफ रीडिंग. ओके, सीता को पटना जाने का शौक है, सीता इज फाउंड ऑफ गोइंग टू पटना. ओके देखिए बाबू, इसमें आपको वर्ब लगा बी फोर, और इसका एक और स्ट्रक्चर होता है. उसका क्या स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आ या एम प्लस फाउंड प्लस नाउन. यानी कि भीपुर के बदले में यहां पर क्या जाएगा, नाउन आ जाएगा. यानी कि सच एज राम को मिर्गी का शौक है. राम को मिर्गी का शौक है. ठीक है, यानी कि भाई राम को किस चीज का शौक है, तो मिर्गी का शौक है. यानी कि राम इज फाउंड ऑफ किस चीज का भाई शौक है, तो म्यूजिक. मुझे मोबाइल का शौक है, तो आई एम फाउंड ऑफ मोबाइल. यानी कि भीपुर के जगह पर क्या, अगर नाउन आता है तो उसमें आईएनजी नहीं लगाना है. ठीक है ना, नाउन में आईएनजी नहीं लगेगा, बल्कि रहेगा क्या, तो भीपुर में आईएनजी लगेगा. यानी कि अगर वर्ब यहां पर आता है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आता है
तो भर्ब यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में समझ ले कि जेरंड ही आता है। जेरंड का मतलब क्या होता है? बिफोर। ठीक है, क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग गाइज। लिखो बाबू, हो गया? चलो अब यहां पर अब ये स्ट्रक्चर नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर नंबर 35, दिस इज फॉर पास्ट। अब यहां पर क्या देगा? पास्ट का सेंस देगा। तो यहां पर जो इज एम आ है कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या लिख देना है? वाज ऑब्लिक वर। ठीक है, यहां पर भी वही लिख दो, वाज ऑब्लिक वर। वाज ऑब्लिक वर प्लस फाउंड ऑफ प्लस नाउन, यानी कि राम को म्यूजिक का शौक था, राम को पढ़ाने का शौक था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम वॉज फाउंड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम वॉज फाउंड ऑफ म्यूजिक, राम वॉज फाउंड ऑफ म्यूजिक। सीता को एक मार्कर का शौक था, तो सीता वॉज फाउंड ऑफ अ मार्कर। सीता को दिल्ली जाने का शौक था, सीता को दिल्ली जाने की शौक थी, यानी कि सीता वॉज फाउंड ऑफ गोइंग टू दिल्ली। उन लोगों को सब्जियां खरीदने का शौक था, यानी कि दे वर हो जाएगा। गेहूं क्या हो गया? दे क्या हो गया? पुल्लर हो गया, तो अपने साथ में वर्ब क्या लेगा? पुल्लर लेगा, यानी कि दे वर फाउंड ऑफ बाइंग वेजिटेबल्स। ओके, लिखो बाबू, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। चलिए, हो गया। यू स्पीक अ लॉट, व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक, ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक either right or wrong, but you have to start speaking, okay, doesn't matter whatever you are speaking right or wrong, you are speaking either right or wrong, doesn't matter, but you have to speak from today, okay, चलो देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? This is for future. This is for future. Instruction number 36. अब यहां पर वाज वर्ब का जगह पर क्या हो जाएगा? Will be. Will be. अब यहां पर भी वही होगा. Will be. Will be. यानी कि राम को म्यूजिक का शौक होगा. राम को म्यूजिक का शौक होगा, राम को पढ़ाने का शौक होगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम विल बी, यानी कि सेंस किसका दे रहा है? सेंस तो फ्यूचर का दे रहा है, होगा फ्यूचर टाइम में। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा? राम विल बी फाउंड ऑफ म्यूजिक। राम विल बी फाउंड ऑफ म्यूजिक। उन लोगों को इस काम को करने का शौक होगा। दे विल बी फाउंड ऑफ डूइंग दिस वर्क। हम लोगों को काम करने का शौक होगा। वी आर हम लोग हम मतलब हम लोग, ठीक है ना, वी होता है। ओके, वी आर फाउंड ऑफ वर्किंग। यहाँ पर नाउन हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब ही होगा तो क्या होगा? कौन सा वर्ब होगा? तो बिफोर होगा, जेरंड। ओके, क्लियर? स्ट्रक्चर नंबर 37।
36 ml. ओके, स्ट्रक्चर नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 36 ml. For present, this is for present. Subject plus can't plus hell plus V4, यानी कि V1 plus ing. V1 plus ing. Such as यानी कि राम को, राम सोए बिना, राम या पढ़ाई बिना लिखो, राम पढ़ाई बिना नहीं रह सकता है. यानी कि पढ़ाई बिना, काम किए बिना, सोए बिना, खाए बिना, मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकता है. ओके, राम can't help. क्या भाई, पढ़ाए बिना, टीचिंग. राम can't help teaching. राम पढ़ाए बिना नहीं रह सकता है. राम आम खाए बिना नहीं रह सकता है. राम can't help eating a mango. सीता दिल्ली जाए बिना नहीं रह सकती है. सीता can't help going to Delhi. वह पढ़े बिना नहीं रह सकता है. He can't help reading. Okay, I hope you all are getting it. चलो बाबू, यहां तक तो समझ में आ गया. अब इसी को जब ये पास्ट का सेंस देगा, किसका, पास्ट का सेंस, पास्ट सेंस देगा, तो खांट की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, कुडंट हो जाएगा. खांट कुडंट, अब कुडंट हो जाएगा, यानी कि राम पढ़ाए बिना नहीं रह सकता था. राम कुडंट, राम कुडंट हेल्प टीचिंग. हम लोग इस काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं. वी कुडंट, यानी कि नहीं रह सकते थे, सॉरी नहीं रह सकते थे, क्योंकि पास्ट है ना. ओके, और यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर कितना है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 38 हो जाएगा. ओके, यानी कि हम लोग इस काम को किए बिना नहीं रह सकते थे, यानी कि वी कुडंट हेल्प डूइंग दिस वर्क. ओके, वे लोग दिल्ली जाए बिना नहीं रह सकते थे. दे कुडंट हेल्प गोइंग टू दिल्ली. वे लोग पुणे से आए बिना नहीं रह सकते थे. ठीक है, दे कुडंट हेल्प कमिंग फ्रॉम पुणे. ओके, क्लियर. लो एक दो और भी एग्जांपल लिख लो, दे couldn't help coming from Pune. Okay, we couldn't
help. We couldn't help doing this work. Okay, I hope you are getting right. लिखो बाबू, हो गया? लिखिए, you have to practice more and more, okay, then you can improve your English, then you can speak fluent English, okay, you speak, okay, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस पर स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाते रहिए, ठीक है, जितना मन कर सेंटेंस बनाते रहिए जितना हो सके, ओके। अब ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर लास्ट है, स्ट्रक्चर नंबर 39, ओके। स्ट्रक्चर नंबर 39 देखो क्या होगा, व्हाट अबाउट या व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट प्लस वी फोर यानी कि वी वन प्लस आई एन जी, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं सच एज, वहां जाना कैसा रहेगा, दिल्ली जाना कैसा रहेगा, इस काम को करना कैसा रहेगा, पढ़ना कैसा रहेगा, पढ़ाना कैसा रहेगा, यानी कैसा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो सच एज, वहां जाना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा या वहां जाना कैसा होगा, या वहां जाना कैसा होगा, कैसा रहेगा चाहे कैसा होगा, ये दोनों का एक ही बनेगा। यहां तो लिखिए व्हाट अबाउट, नहीं तो हाउ अबाउट प्लस वी फोर। पहले मैं लिखता हूं व्हाट अबाउट वहां जाना, गोइंग, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, और नहीं तो आप बोल सकते हैं क्या हाउ अबाउट, हाउ व्हाट अबाउट बोलिए, नहीं तो हाउ अबाउट बोलिए, हाउ अबाउट गोइंग देयर, ओके। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग आइज। तो बस आज के लिए बस इतने ही, और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स एंड शेयर भी करते रहिए अपने दोस्त मित्रों के साथ में। फिर कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।
That's all for today, guys. Bye bye. Have a nice day.